और अब एक ऐसी खबर जो आम लोगों की सुरक्षा और उनकी सहूलियत से जुड़ी हुई है। नोएडा के जीआईपी मॉल में एक युवक की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 25 साल की युवक की वाटर पार्क में जान चले गई, आरोप लापरवाही के यहाँ पर लग रहे हैं। मृतक के परिजनों ने मॉल और वाटर पार्क प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जो मेरे साथ हुआ वो भगवान किसी को भी ना देखे, उसको थोड़ा उठाने के लिए व्हील चेयर की बात बंद थी, तो व्हील चेयर इनकी टूटी हुई थी। व्हील चेयर ऐसे चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी दूसरे का घर ना हो। घर का चिराग बुझ गया और जवान बेटे को खोने के बाद पिता अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कभी जुबान लड़खड़ा रही है तो कभी आंखें छलक रही हैं। नोएडा का जीआईपी यानी ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल एक बार फिर विवादों में है। एक युवक की मौत के बाद मॉल के इंतजाम और प्रबंधन पर कई सवाल उठ रहे हैं। 25 साल का धनंजय माहेश्वरी रविवार को अपने दोस्तों के साथ जीआईपी मॉल गया था। इसी दौरान एंटरटेनमेंट सिटी वाटर पार्क में नहाने के दौरान तबीयत बिगड़ी और कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली के आदर्श नगर का रहने वाला धनंजय अपने परिवार का इकलौता बेटा था। जो ठीक सामने आप देख रहे हैं ये वही द ग्रेट इंडिया पैलेस है जिसे कि जीआईपी मॉल कहा जाता है, और संडे का दिन होने की वजह से जो धनंजय महेश्वरी है वो अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर पहुँचा था, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही पीछे की साइड ही जो वाटर पार्क है वो यहाँ पर है। और ये जानकारी है कि दोपहर के वक्त जब धनंजय स्लाइडिंग ले रहा था वाटर पार्क में, उसी दौरान उसकी अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मौत की असली वजह क्या थी, धनंजय की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी, उसे वक्त रहते अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। वहीं धनंजय के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जो भी अल्लाह का रुपया कारोबार कर रहे हैं लेकिन कोई सेफ्टी नहीं है, ना एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जो मंगाई गई है ना तो उसमें ऑक्सीजन थी, ना कोई डॉक्टर था, ना सायरन था, और बच्चा वहाँ पड़ा वो होता था व्हील चेयर टूटी, तो ऐसे चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी दूसरे का घर ना हो। जो मेरे साथ हुआ है वो भगवान किसी को भी ना देखे। जीआईपी नोएडा का बड़ा मॉल है, यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं, छुट्टी के दिन भीड़ और भी ज्यादा हो जाती है, मतलब रविवार को भी मॉल और वाटर पार्क में जबरदस्त भीड़ रही होगी। इसके बाद भी धनंजय को वक्त रहते ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि धनंजय को वक्त पर ना तो वाटर पार्क का जिम्मा संभाल रहे लोगों ने व्हील चेयर मुहैया कराई, ना एम्बुलेंस सही वक्त पर बुलाई और ना ही कोई फर्स्ट एड दिया गया। बच्चे हमारे भतीजा धनंजय और उसके साथ चार लड़के राइडिंग के लिए उसी दौरान पे उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन यह फर्स्ट एड के नाम पे इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसको थोड़ा उठाने के लिए व्हील चेयर की बात मांग थी, तो व्हील चेयर इनकी टूटी हुई थी। व्हील चेयर धनंजय अपने चार दोस्तों के साथ जीआईपी गया था, मगर हादसा कैसे हुआ और तबीयत बिगड़ने की असल वजह क्या थी, इस पर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं। परिवार के लोग हैं वो गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि ना तो यहाँ पर कोई व्हीलचेयर मौजूद थी, और जो एम्बुलेंस है वो भी बहुत देर बाद यहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद में उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और जिसके बाद में जब उसे पास का जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया जाता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जाँच की जा रही है और जो भी इसमें लापरवाही जिसकी भी होगी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। धनंजय माहेश्वरी की मौत को लेकर वाटर पार्क प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। पहला सवाल तो यही है कि क्या वाटर पार्क में आने वालों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है, क्या किसी की तबीयत बिगड़ने पर उसके इलाज के लिए कुछ नहीं किया जाता, क्या व्हील चेयर और फर्स्ट एड जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, क्या धनंजय के केस में प्रबंधन की ओर से लापरवाही की गई। सवाल ये भी है कि हादसा जब दिन में 1 बजे हो गया था तो पुलिस को जानकारी देने में 4 घंटे का वक्त क्यों लगा। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब अब नोएडा पुलिस भी तलाश रही है। अभी हम लोग मृत्यु का कारण जो भी है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग मेडिकल जो इनका डॉक्टरों का बोर्ड है उसके द्वारा हम लोग पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कराएंगे।
हादसे की वजह और हादसे के बाद की लापरवाही समेत तमाम पहलुओं पर जांच जारी है, मगर जीआईपी मॉल और वाटर पार्क चलाने वालों के रवैये भी कई सवाल जरूर उठा रहे हैं। देखना होगा कि जांच कब तक पूरी होती है और मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। धनंजय महेश्वरी उनके परिवार में इकलौता बेटा था, केबल ऑपरेटर का काम करता था और इसी के साथ ही वो जिस तरीके से जब उसके दोस्तों के साथ बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि बहुत देर तक वो इंतज़ार करते रहे, कोई मेडिकल सुविधा यहाँ पर जो वाटर पार्क है उनकी तरफ से उनके बच्चे को नहीं दी गई थी और जिसकी वजह से उसकी तबीयत समय के साथ लगातार बिगड़ती हुई चली गई और फिर उसकी मौत हो गई। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, नोएडा। जी